मंडल से बात करता हूँ। मैं आईओसी लिया है। आईओसी इंडियन ऑयल, आईओसी इंडियन आईओसी। ओके ओके, कितने रुपए पे आपने खरीदा है? वो 90 रुपया में खरीदा है। ठीक है, इसके अलावा कोई और भी सवाल है आपका? एसबीआई लिया है। ठीक है, 104 रुपये में। 104 रुपए में आपने एसबीआई लिया हुआ? 604 रुपये में। कितना? 604 रुपये। 604 में। 604, हाँ ठीक है। तो एसबीआई 604 की खरीद और आईओसी में इन्होंने 90 रुपए पे खरीदारी की है। एक में इनको नुकसान होता हुआ, वहीं एक में इनको फायदा फिलहाल होता हुआ। चलिए इस पर एक राय ले लेते हैं। स्नेहा बताएं जरा, पहले जहां नुकसान हो रहा है उस पर एक नजरिया लेते हैं। एसबीआई 610 रुपए, 604 रुपए की माफ कीजिएगा खरीद है उनकी, क्या करना चाहिए? 1000 शेयर लिए हैं। काउंटर देखें तो यहाँ पे एक अच्छे सपोर्ट जोन से ही रिकवर किया है। अराउंड आप देखेंगे अराउंड 545-550 के आसपास एक सपोर्ट जोन था, वहां से रिकवरी दिखी है हमें इस काउंटर में। मेरा मानना है कि थोड़ी और तेजी आके मे बी यहाँ पे अपसाइड में एक 580 तक का लेवल्स है, बट अगर ये 580 लेवल क्रॉस करता है तभी ही जाके इसमें एक मोमेंटम आएगा मुझे लगता है करके, कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा इस काउंटर के लिए अभी के लिए। जिस तरह का ओवरऑल मार्केट है, अगर 580 क्रॉस करता है तब जाके इसमें एक अच्छी मूव आके आप उनके जो बाइंग लेवल्स है अराउंड 610 के आसपास वो लेवल देखने को मिलेंगे, और अगर ये क्रॉस होता है तभी ही इसके ऊपर के भी लेवल्स दिखेंगे। तो आई बिलीव करके कि अभी के लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि काउंटर बुरा है, बट ओवरऑल अभी जिस तरह का मार्केट है तो मे बी एक पॉसिबिलिटी है करके फिर से एक डाउनफॉल आ सकता है एक 580 लेवल्स के आसपास आने के बाद। तो आई वुड रिकमेंड करके कि अगर आपके पास समय है तो आप इसे होल्ड करें जब तक ये एटलीस्ट और ऑन द लोअर साइड 555 को सपोर्ट दे रहा है, ये इस लेवल के ऊपर चल रहा है, तो नियर टर्म में ओवरऑल ये डिप्स पे लॉन्ग कर सकते हैं। बट अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं तो एक 580 का एक स्ट्रॉन्ग हर्डल। ठीक है, इनका एक और सवाल आईओसी पे है, 90 रुपए की खरीद है, 4000 स्टॉक इनके पास है, क्या करना चाहिए? ओवरऑल काउंटर ने बहुत ही अच्छी मूव दी है, अगर आप ये हफ्ते में ही देखें नियरली 10% का मूव है विच इज वेरी गुड डिस्पाइट मार्केट जिस तरह है। तो मेरा मानना है स्टॉक में और तेजी पॉसिबल है। एक रेजिस्टेंस था इस काउंटर का अराउंड 96 के आसपास, क्योंकि वहां पे ही अभी काउंटर ट्रेड कर रहा है। अगर आज की कोर क्लोजिंग अच्छी आती है 96 के आसपास या उसके ऊपर की क्लोजिंग देता है तो पॉसिबिलिटी है करके कि तेजी कंटिन्यू होकर टुवर्ड्स 101-102 के लेवल्स पे देखने को मिले। तो आई वुड रिकमेंड कि होल्ड करें। अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो आज का लो दैट इज अराउंड 93 के आसपास एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। पर आपको बने रहने की सलाह, हालांकि दोनों ही स्टॉक में बने रहने की सलाह आपको फिलहाल मिलती हुई, लेकिन